हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग, पता है कि आप लोग की प्रैक्टिकल जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आप लोग के लिए क्लासेस लाते जा रहे हैं। ओके, आज हम लोग यहाँ पे M1R5 की प्रैक्टिकल क्लास नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज नेक्स्ट पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप लोग के ओरिजिनल प्रैक्टिकल पेपर्स आए थे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोग को ओरिजिनल प्रैक्टिकल इंटरफेस के बारे में भी कई बार इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, लेकिन कभी स्टूडेंट हमारे वीडियो पे नए नए आ रहे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो आज भी हम आपको बताएंगे ओरिजिनल इंटरफेस कैसा होता है और हम लोग अपना ओरिजिनल पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, लेकिन जो क्लास अपलोड होती है वो हमारी दोपहर 1 बजे अपलोड होती है। M2 की क्लास हमारी शाम के 7 बजे अपलोड होती है और M3 की क्लास हमारी रात के 8 बजे अपलोड होती है, जो कि आज आपको रात के 8 बजे मिलने वाली भी है। और हमारी जो M4 की क्लास है वो शाम के 7 बजे अपलोड होती है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ जानना है, आपको PDF वगैरह चाहिए, नोट्स आप लोगों को चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सारी अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। अभी हम देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इस तरह से जैसे ही आप लोग वहां पे लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने का ये वाला इंटरफेस आएगा, आप लोग इसे M1 पे कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। सपोज यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा सीधा ये वाला विंडो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको 50 मिनट यहाँ पर मिलेंगे और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से लिखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, लेकिन अटेम्प्ट आपको 2 करने होंगे। बाकी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है, जो कि 30 सेकंड बाद अपने आप क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ ऑरेंज कलर से एक्टिव होता है। फिर हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा। अगर लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है तो इस तरह से आएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है तो इस तरह से लिखा होगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जूम इन जूम आउट के। इस तरह से आप देखते हैं, आप जूम इन करेंगे, जूम इन करने पे आप लोग यहाँ पे जूम इन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, जो आप लोग का सॉफ्टवेयर है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा अपना कोडिंग करेंगे। फिर आप जब जूम इन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन हो जाएगी, यहाँ आप अपना सॉल्यूशन करिए, और ये बटन होता है सेव का, इस पे सेव करना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इस पे आपको सेव भी करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। फाइनली फिर आप जूम आउट करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे इस तरह से। ओके, तो आज का हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के दो पेपर में आप लोग के लिए लेके आऊँ। पहला हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि आप जानते हैं ओरिजिनल पेपर है, इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ टू 1.15, मतलब एक पैराग्राफ हमें टाइप करना है, और दूसरा लिखा है इंसर्ट हेडर नेम निलेट एंड फुटर हैविंग द करेंट डेट। ठीक है, देख लेते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन हमें मिलता है तो हम आपको बताते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे ही आप लोग वहां पे जूम इन पे क्लिक करेंगे, जब आप जूम इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सपोज आपने क्या किया, वहां पे जूम इन पे क्लिक किया, इस तरह से आपने ये आपका राइटर खुला होगा, यहाँ जूम इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस सामने आ जाएगा, जैसा कि हमारा ओपन हो रहा है। क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे आने के बाद इन्होंने एक पैराग्राफ बोला है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को टाइप कर लेंगे। आप लोगों को यही पैराग्राफ टाइप करना है जो वहां पे दिया हुआ होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी रफली पैराग्राफ यहाँ से ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक डेमो पैराग्राफ निकाल लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो वहां पर आपको क्या करना है, वही पैराग्राफ का यूज करना है जो पैराग्राफ वहां पे गिवन होगा। मैंने ऐसे इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पे आ जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर पे इसको कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि जो लाइन स्पेसिंग है वो हमें कितनी करनी है, यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है 1.5। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 1.5 हमें यहाँ पे करना है, लिखा हुआ है चेंज द लाइन स्पेसिफिक ऑफ द पैराग्राफ 1.5। अब जरूरी नहीं है वहां पर आप लोग का लिब्रे ऑफिस इसी तरह से पूरा ओपन हो गया है, वहां पर आप लोग का लिब्रे ऑफिस में उतने ही बटन आ सकते हैं जितने आपको जरूरत में होगा। तो आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वाला बटन देख रहे हैं, यहाँ लिखा है सेट लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पर हमें 1.5 करना है, तो कंट्रोल ए किया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, 1.15 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नॉर्मली जब वहां पे आप टाइप करोगे तो हो सकता है आपका इस तरह से लाइन स्पेसिंग आए, या फिर हो सकता है इतनी है लाइन स्पेसिंग हो यहाँ पे टाइपिंग करने पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम कर लेना है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, साइज भी बहुत बड़ा आता है उस तरह से, तो आप लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग पे आना है 1.15। ठीक है, 1.5 था आई थिंक, हाँ 1.5 था, 1.15 तो ये है 1.5। जैसे क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सेव को जरूर करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी सेव करना नहीं भूलना है। यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, वहां पे भी आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको वहां पे बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपका फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा उसमें हमारा क्वेश्चन में एक और लिखा हुआ है, इसी के बाद पढ़िए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट हेडर नेम निलेट एंड फुटर नेम हैविंग करेंट डेट। चलिए देख लेते हैं, हेडर हमारा इंसर्ट में होगा,
तो इनसेट पे आएंगे, जरा देख लेते हैं, इनसेट पे क्लिक करते हैं, 1 मिनट। इंसर्ट हेडर, ये रहा हेडर। हेडर पे हम लोग क्या करें, क्लिक करें। तो जैसे हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर डिफॉल्ट हेडर पे आप क्लिक कर देना। तो इन्होंने बोला कि हमें निलेट करना है, NILIT, निलेट हमने यहाँ पे कर लिया। आप लोग चाहे तो साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। हेडर से क्या हुआ, जितने भी पेजेस होंगे सब पे हेडर आ जाएगा। जैसे एक पेज है, हमें दूसरा पेज लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी हमें दूसरा पेज करना है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी हमारे पास क्या है, पेजेस हैं, उतने पेजेस पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है। अभी हमें क्या इंसर्ट करना है, फुटर भी इंसर्ट करना है। फुटर को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहीं पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फुटर पे आना है, और यहाँ पे फुटर पे क्लिक कर देना, और डिफॉल्ट पे क्लिक करिएगा। तो आप डिफॉल्ट पे आ गए हैं। फुटर पे आप देखना है हमें करंट डेट एंड टाइम चाहिए। हेडर तो आप देख ही पा रहे हैं, आप लोग वहां पे भी आप लोग इसी तरह से कर देना। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी, यहाँ पे आप इस तरह से लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हेडर, ताकि उन्हें लगे कि आपने यहाँ पे हेडर के वजह से पेज बढ़ाया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो जितने भी पेज लेंगे वो आ जाएगा। अभी हमें फुटर के लिए इंसर्ट करना है यहाँ पर आप लोगों को डेट। तो डेट एंड टाइम देखिए इंसर्ट वाले में मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास आपको मिलेगा, या क्रॉस रेफरेंस हो गया, इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन पे ये तो नहीं है, इंसर्ट फील्ड पे आइएगा, उन्होंने बोला है डेट, तो डेट पे क्लिक करिएगा। तो करेंट डेट, क्या उन्होंने डेट एंड टाइम बोला है, करेंट डेट है ना, डेट ही लिखा हुआ है। तो करेंट डेट हमने यहाँ पे कर दिया, से आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब आप इस वाले फुटर पे भी देखिएगा, तो यहाँ पे भी 12 तारीख आ जाएगी, मतलब जितने भी फुटर होंगे सब पे 12 तारीख आ गई होगी, ठीक है। तो वहां पर जो भी जिस भी डेट को आपका एग्जाम है, 10 जुलाई, 11 जुलाई, वो चीज वहां पर इंसर्ट होकर आ जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया हमारा पहला क्वेश्चन। बस आपको क्या करना, नहीं भूलना है बिल्कुल भी, सेव करना। याद रखिएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या, कहाँ पे क्लिक करना है, उसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे इस तरह के बटन मिलेगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको क्लियर बता दिया है, कैसे आप लोग को वहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इतना करने का जूम आउट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो फाइल सेव हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट हमारी careersknowledge.in है, आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करिए। यहाँ पर ऑलरेडी M1 के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड है, ठीक है। M1 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग ओ लेवल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जब आप बटन पे क्लिक कर देंगे, कि आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, M1, M2, M3, M4, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, तो वो आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल पेपर्स पे। यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। जब आप इंटरफेस देखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड है, तो आप लोग इनका फायदा जरूर उठाइए, ठीक है। तो वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग कॉमेंट बॉक्स से डायरेक्ट वहां पर लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर तो आपको सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। क्योंकि आप हमसे डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो हम लोग आपको डायरेक्ट वहां से बता देंगे। ओके, तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए वेबसाइट के बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखती है जरा क्या है, वो भी हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का ही एक्चुअली क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंडिया इज द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट, यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल पेपर है। इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोग विजिबल रहे। ये भी आपको क्या है, जब वहां पे आपको पैराग्राफ के लिए मिले, तो पैराग्राफ को आपको क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ सबसे पहले आपको वहां पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद फिर दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को एक एक ऑप्शन वाइज यहाँ पे वर्क करना है। तो ऑप्शन वाइज वर्क करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, या तो इस पैराग्राफ की कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं आप, इस पैराग्राफ के बाद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वहां पे क्या करते जाए आप लोग, उसका यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 4 पैराग्राफ है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, इसी वाले राइटर पे काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, यही पैराग्राफ को, या कंट्रोल एन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल वी किया मैंने, इस पैराग्राफ को हम 4 पैराग्राफ बना लेते हैं। 2-3 ऑलरेडी है, एक पैराग्राफ की हम कॉपी और कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को वही पैराग्राफ लेना है जो वहां पे गिवेन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ, मतलब जो आपने टाइप किया वो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, थोड़ा सा हमने स्पेसिंग बता दी है, ये पैराग्राफ हमारे हो गए। साइज वगैरह बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा विजिबल, क्योंकि वहां पर साइज बहुत बड़ा आता है, आप लोग देखिएगा काफी शानदार बड़ा साइज वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है,
और जो भी डाउट्स वगैरह हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, देखिए आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हमें अच्छा ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। ओके, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेक अ ड्रॉप कैप ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। हमें सेकेंड पैराग्राफ में क्या करना है, ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। तो देखिए अब आप एक चीज नोटिस करना, आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री। तो जैसे हम लोग आंसर वन सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर वन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, जो सेकंड पैराग्राफ है हम लोग क्या कर लें, ड्रॉप कैप लगा दें। मतलब या तो हम इस सेकंड पैराग्राफ को वहां से कॉपी करके रख लाएं, कॉपी करके ले आए, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे इस पैराग्राफ को वहां ले जाए और फिर ड्रॉप कैप लगाए, नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहीं पे करना है मैंने कहा, तो हम लोग इसको नहीं तो कॉपी ले जाके क्या करोगे, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना उस पैराग्राफ को। और जैसे आप लोग पहले क्या कर रहे हैं, आंसर नंबर वन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर लेना सेकंड पैराग्राफ को। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करके कैसे करते हैं लोग, फॉर्मेट पे आ जाएंगे पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा, और पहले से हमें करना है हमें डिस्प्ले ड्रॉप कैप और ओके कर देना, ठीक है। तो देखिए पहला पैराग्राफ क्या हो गया, आपका ड्रॉप कैप अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, मेक 1.5 लाइन स्पेसिंग फॉर थर्ड पैराग्राफ। क्या कर सकते हैं, थर्ड पैराग्राफ को कॉपी कर लीजिए, है ना, और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी कर दी थी, 1.5। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हम लोग सेकंड आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड आंसर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आंसर नंबर सेकंड डाल दीजिए, इस तरह से लिख दीजिएगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है, आंसर नंबर सेकंड। इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहां पर आएंगे लाइन स्पेस 1.5, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 1.5 हो गया आपकी लाइन स्पेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है चेंज द फॉन्ट साइज ऑन 17 पॉइंट्स फॉर द लास्ट पैराग्राफ। क्या करना है, 17 पॉइंट्स करने हैं, किसके, लास्ट पैराग्राफ के। तो आंसर नंबर थ्री है, क्या करें, लास्ट पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद क्या करें, यहाँ पर आएंगे लास्ट पैराग्राफ है, आंसर नंबर थ्री लिख दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो हमें कितना करना है, 17 पॉइंट, 16 ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 पॉइंट्स आप आई थिंक यहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ एक बार क्या प्रेस कर देना है, 1 मिनट, अगर ये आता है तो देखते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे 17 लिख दिया, सीधा सीधा ऐसे कर दीजिएगा, वैसे हो जाएगा, ये इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने का कंट्रोल के साथ आप देख सकते हैं 18 हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे 14, और यहाँ पे 14 के बाद 15, 16, ये तो सही चल रहा है, 15 हो गया, 16 हो गया, हमें क्या करना है, 17। तो आप इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं, आपने देखा मैंने 15 किया, 15 के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं मिल रहा, 17 नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसा होता है कि यहाँ पे जानबूझ के बोला गया है क्योंकि यहाँ पे 17 नहीं था। तो आपको एक ट्रिक यूज करनी है, कंट्रोल सिंबल के साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कर्ली ब्रैकेट पे आप क्लोज करिए, जहाँ पे स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट दोनों साथ में है, तो कंट्रोल प्लस स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट। तो इससे क्या हो जाएगा, अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे तो 17 पे जंप करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारा 2 का जंप करवाता है, तो 2 का हमारा जंप हो जाएगा और हमारे ये 17 हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस के पास होता है कर्ली ब्रैकेट, मैं आपको बता देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं आपको कीबोर्ड में ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड पर दिखा देता हूँ, सीधा सीधा ये वाला आपको बटन प्रेस करना है, ये कीबोर्ड आ गया सामने, ये आप देख रहे हैं ना, ये साइज इंक्रीज करने के लिए होता है, ये वाला क्या साइज इंक्रीज करने के लिए, ये वाला क्या होता है साइज डिक्रीज, लेकिन किसके साथ करना है, कंट्रोल का, कंट्रोल दबाना आप यहाँ से बढ़ा लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नेक्स्ट लिखा है अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट टू सेंटेंस ऑफ फोर्थ पैराग्राफ, अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट टू सेंटेंस ऑफ फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। तो फोर्थ पैराग्राफ को हम कॉपी करेंगे, जो फोर्थ पैराग्राफ है, और एक काम करते हैं इसको आप लोग कर लीजिएगा, लास्ट टू सेंटेंस की मैं यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, नंबर एक तरह से उनको लिस्ट लगानी है, तो एक आप यहाँ लगा लीजिए, इस तरह से आप लगा सकते हैं, यहाँ पे सही से नहीं हो रही, ये वाला आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लगा के बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये क्लिक किया एक हो गया, लास्ट टू की बात कर रहे हैं तो दूसरा हम इसको क्या करें, बैक स्पेस करके एंटर कर दो हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सेटअप द पेज पेज लेआउट ऑफ लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड सेट दिस एंड दिस, ठीक है। तो सीधी सी होगा कि हमें इसमें क्या करना है, जो पेज सेटअप करना है तो आपको क्या करना है, लैंडस्केप करना है, तो उसके लिए आपको फाइल पे आना है, फाइल पे आने के आप चाहे तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आपको कंट्रोल पी दबाना है, कंट्रोल पी दबाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन क्या है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आप लैंडस्केप ले लीजिएगा,
ठीक है, लैंडस्केप आपका ये पेज का ओरिएंटेशन हो गया, यहाँ पे ऑल पेजेस वगैरह ये सब आपका वो बता रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेज वगैरह साइज वगैरह आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में आके, यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ पर आइएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पे आ जाइएगा। इसके बाद बस इतना आपको करना है, यहाँ पे इतना सेट करना है, सेट करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर आपका आता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज आपने देखा, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इससे भी आप कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेना है। लैंडस्केप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है ना, लैंडस्केप सेटअप 1.50 एंड दिस, अब ये क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मार्जिन इनका ये रहेगा कि आपका जो हाइट और विड्थ है ना, यहाँ पे आप 1.150 और यहाँ पे दूसरी आप दे सकते हैं। अब उसमें लिखा होगा मार्जिन वगैरह तो आपको यहाँ पे चेंज करना है, नहीं लिखा हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए लैंडस्केप भी हो गया और यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी आपका हो गया, तो ये चीज बोल रहे थे। और फाइनली आपको क्या कर देना है, वहां पर आके फाइनली आपको वहां पे जो आपने ये वाला बटन देखा था, यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना, तो आपकी यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन करवा दिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज की क्लास में हमने देखे। बाकी अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आप लोगों को सीधे सीधे लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ओके ओके, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए ताकि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह मिल सके। बाकी आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, रात के 8 बजे आप लोग के लिए क्लास अपलोड होने वाली है पाइथन की, तो उसको भी जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक भेजा कीजिए। ठीक है, तो कंप्लीट हुए, और ये वाले क्वेश्चंस में से रिपीट होंगे दोनों क्वेश्चंस, याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में रिपीट 101% होना है, क्योंकि राइटर से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।